संघर्ष करो। भाई डिफेंडर आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई डिफेंडर आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई डिफेंडर आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हर राजभवन पे घिराव, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हमारी मांग है कि जांच हो, जो अदानी समूह से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर आज देश में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से राहुल गांधी जी ने संसद में इन बातों को रखा और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की के गठन की और उनके माध्यम से जांच कराने की मांग को रखा। आज संसद में 18 दलों ने एक स्वर से उस मांग का समर्थन भी किया है और एक स्वर से एक मांग करी कि किस कैसे आज एक ऐसा देश के अंदर विचित्र हालात बने कि 10 लाख करोड़ एक समूह के डूबे, लेकिन उसके साथ साथ LIC के 44,000 करोड़ डूब गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डूब गए और हर प्रदेश में उस ग्रुप के प्रति सरकार का रवैया उनको लाभ पहुंचाने का रखा, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है। हरियाणा में आपको पता है कि 3 कृषि कानूनों से पहले बड़े बड़े गोडाउन बनाने के लिए CLU दे दिया गया। हरियाणा के अंदर जो 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, हुड्डा सरकार ने 2.94 रुपये में किया था, उसकी जगह उसकी बिजली रोक दी गई उस समूह द्वारा, और यहाँ तक कि 11 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली बाहर से लेनी पड़ी हरियाणा सरकार को, जिसका बोझ पूरी तरह हरियाणा की जनता पे पड़ा। और अब वो जो 14,000 जो है मेगावाट का जो वो समझौता था, 1400 मेगावाट का जो समझौता था, तो उसमें 200-300 मेगावाट कम करके 1000 मेगावाट से थोड़ा सा ज़्यादा इतनी बिजली सरेंडर करके कैबिनेट ने 3.20 रुपये में समझौता दोबारा से उसको रिन्यू करने का काम किया है। तो क्या ये जो है इस प्रकार से लाभ पहुंचाना, एक उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचाना नहीं है, तो इन बातों को लेकर हमारा संघर्ष है। आज ये जरूरत है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये सरकार क्यों भाग रही है, आज क्या कारण है कि जो 38 सेल कंपनियों से काला धन अदानी की कंपनियों में लगा, आज ED कहाँ है, आज वो SEBI कहाँ है, आज 44,000 करोड़ रुपए LIC का डूब रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज 82,000 करोड़ रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों का डूब रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आज JPC की कोई अगर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है विपक्ष की और 18 विपक्षी दलों की, तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। आज जिस तरह से तानाशाही रवैया चल रही है, भ्रष्टाचारियों को ये अपने साथ में, जितने भी भ्रष्ट और बेईमान जो हैं उन लोगों के अपने साथ लगा के फिर रहे हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, खुद सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ का आज फैसला हो रहा है।